हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव उमरा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब एकेडमी चैनल मिस्टर वर्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी वर्डप्रेस साइट में से फुटर के जो क्रेडिट्स हैं उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स डैशबोर्ड। तो सबसे पहले जो है मैं आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि हम क्या चीज़ रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वेबसाइट पर आ गया हूँ, ठीक है। और अगर आप सबसे लास्ट में जाएंगे वेबसाइट के, तो यहाँ पर आप देखिए फुटर में, इसको फुटर बोलते हैं, यहाँ पे आपको जो है कॉपीराइट्स रिजर्व ये सब जो है लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, और कलर मैक जो थीम का क्रेडिट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर मेरे को इसको रिमूव करना है तो कैसे करूँगा वो चीज़ जानते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यहीं पे मिल जाता है कस्टमाइज़ का। तो जैसे आप कस्टमाइज़ पर क्लिक करते हैं तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है इसको मैं आपको किसी दिन अच्छे से बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमें क्रेडिट को कैसे रिमूव करना है। आपको फुटर पर जाना है, फुटर को ढूंढना है, और यहाँ पे जो है आपको इसको एडिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे हमारी थीम में ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी थीम में ये ऑप्शन होता है और बहुत सारी थीम में ये ऑप्शन नहीं होता। तब ऐसे केस में हमारे पास दो तरीके बचते हैं इसको रिमूव करने के, या तो हम किसी प्लगइन की हेल्प से इसको रिमूव करें, नहीं तो आप अपनी थीम को डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जानेंगे कि इसको प्लगइन की हेल्प से कैसे रिमूव करते हैं। तो प्लगइन में जाना है और ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप दो तरीके से प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप प्लगइन को डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए अपने कंप्यूटर से, नहीं तो जो है आपके सामने सर्च प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप सर्च करके जो है प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विजुअल क्रेडिट और यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन इनेबल होना चाहिए तब सर्च होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने प्लगइन आ गया है फर्स्ट वाला। इस प्लगइन को जो है हमें इंस्टॉल करना होगा, तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए और ये जो प्लगइन है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाएगा तो एक्टिवेट का ऑप्शन भी पूछेगा, तो अब आपको क्या करना है, इसको कर देना है एक्टिवेट। जैसे आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपको इस पेज पर ले आएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा टूल्स का, टूल्स में आना है और देखिए नीचे यहाँ पर आपको प्लगइन का नेम शो हो जाएगा विजुअल फुटर क्रेडिट रिमूवेबल। इसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साइड में सबसे डाउन करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है और जहाँ पे आपका क्रेडिट आ रहा है उसके ऊपर इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडिटर मिलेगा, इसमें आपको जो टेक्स्ट लिखना है आप लिख दीजिए। यहाँ पर फिलहाल मैं डेमो के लिए लिख देता हूँ ऑल कॉपीराइट्स रिजर्व्ड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय। हम यहाँ पे न्यूज़ करके जो ये बना रहे हैं ऐसे ही नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे @news, और इसका जो है ईयर का नाम 2021 और 2022 ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो होता रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एडिटर के, ठीक है। आप इनका चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग अपडेट करने के लिए बोलेगा, ओके पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में आना है, और मैं आपको साइट विजिट करा देता हूँ। तो इसको मैं एक प्राइवेट मोड में ओपन करता हूँ, यानी इनकॉग्निटो मोड में, और आपको दिखाता हूँ कि क्या ये रिमूव हुआ है या नहीं। तो फटाफट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्रेडिट जो है यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। आप चाहे अपने अनुसार जो है यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरीके से हमने जो है यहाँ से हमने क्रेडिट को रिमूव किया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।